बड़ी गलत जगह ये लोग आ गए और ऐसी जगह ऐसी मार पड़ेगी इनको कि आप ये याद करेंगे। जैसे आपके स्टोन पेंटिंग के इश्यूज है, आपके यहाँ एप्पल का इशू है कि आपका नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में तो इंटरनेशनल मंडी में या जो बाकी सब चीज़ें हैं, तो इनके हमारा जो मेन मकसद है कि इस वक्त जो गेयरअप कर रहे हैं हम लोग पार्टी, बिकॉज मोस्ट प्रॉपर्टी सितंबर अक्टूबर हम लोग ये सोचते हैं कि असेंबली इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर जो आप जानते हो कि बहुत सारे इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, और जो पहले बिकॉज NDA सरकार अभी ये हुआ है, फॉर्म हुई है गवर्नमेंट, और हम चाहते हैं कि पहले वो सब चीज़ों को, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अर्जेंट बेस पे करने की ज़रूरत है। मींस कि जैसे आपके स्टोन पेल्टिंग के इश्यूज है, आपके यहाँ एप्पल का इशू है कि आपका नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में तो इंटरनेशनल मंडी में या जो बाकी सब चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और साथ में कुछ हमारा जो है आज फायर विक्टम्स के वहाँ भी हम लोग गए, और जहाँ तक पब्लिक ग्रीवेंस का सवाल है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो सबसे ज़्यादा है जो शायद किसी और स्टेट में हो, मीन्स बिहार उत्तर प्रदेश या किसी और जगह पर हो, लेकिन जो जम्मू कश्मीर सफ़र कर रहा है बैडली सफ़र कर रहा है इस टाइम पे, ख़ास करके आपका जो आम आदमी है उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। बिजली का बहुत ज़्यादा मार है जम्मू कश्मीर पे, जो हम सोच रहे हैं कि आपको 100-150 यूनिट ये मोदी कैबिनेट जो है हमारी NDA गवर्नमेंट की अगर फ्री हो जाती है तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा जम्मू कश्मीर को लेके। तो मोस्टली बिकॉज 29th की हमारी मीटिंग है, नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, और क्या क्या मुद्दे हो पाते हैं, क्या क्या कर पाते हैं हम, इन सब चीज़ों को लेकर ये डिपेंड करता है। और बट वी हैड, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है NDA सरकार को लेकर, बड़ी उम्मीदें हमारी है कि ऑलमोस्ट, क्योंकि इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं, एक तो हम चाहते हैं कि स्टोन पेल्टर्स का आपका रिवोक करें, उनके ऑर्डर्स बड़ा पैसा खाया है यहाँ पीछे, गवर्नमेंटों ने FIRs लगाए हैं उनके खिलाफ, अननेसरी लोग जो है हिरास हो गए, क्योंकि आप जानते हैं मंडी चलती थी यहाँ पे, कैटेगराइज किया जाता था ABCD, फिर ए का मतलब 1,00,000, बी का मतलब 50,000, सी का मतलब C&D, जो ही वटिया सो ही खटिया, सो दिस वॉज द बिजनेस इन J&K। और जो दो सरकारों ने पीछे किए, नहीं तो आप बताइए कि एक SP को हमने देखा अपनी आंखों से, DSP को स्टेट के मिनिस्टर्स जो है ज्वाइन करवाने जाते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, PDP के, इन सब पे हिसाब करना है। अब क्योंकि वक्त आ चुका है, मैं चाहता हूँ कि इन सब लोगों का वो एक एक पैसे का हिसाब हमें चाहिए। इन्होंने जो बेगुनाह यतीमों से जो पैसा खाया, जो इन्होंने मजलूमों के घर बिकवाए और इन बच्चों ने घर बेच के वो पैसा जमा किया थानों में कि हमें छोड़ दिया जाए, और हम जानते हैं वो किस किस मिनिस्टर के पास गया, कौन कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी, कौन कौन चीफ मिनिस्टर, सबका जो लिखा चिट्ठा जिसको बोलते हैं, सबका रिकॉर्ड GM शाहीन के पास पड़ा है। छोड़ेंगे नहीं इस बार। इस बार जो है बड़ी गलत जगह ये लोग आ गए और ऐसी जगह ऐसी मार पड़ेगी इनको कि आप ये याद करेंगे। सर, किस हद तक ये पॉसिबिलिटी लगती है आपको, ये जो आपने फूड इंडस्ट्रीज का बोला है और स्टोन पेंटर्स को शामिल, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया है। अरे क्या बात करते हो यार, हम लोग अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हमारे, रशिया को हम मदद कर सकते हैं, यूक्रेन को हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपना एप्पल इंडस्ट्री बाहर नहीं, वो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं ले सकते। मैं क्या PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ, 2 मेंबर पार्लियामेंट वाला, मेरे कम से कम 15 मेंबर पार्लियामेंट जो आईवान में जब बात करते तो एक आवाज़ होती है, एक दम होता है, और वो इनकी तरह नहीं है, वो UP और बिहार वाले, मैं बता रहा हूँ ना, हर एक चीज़ का हिसाब करेंगे। और यकीन मानिए मेरी इस बात, आपका एप्पल इंडस्ट्री का जहाँ तक इश्यूज़ है, इस बार नहीं आने देंगे, ना आपका ट्रक रुकेगा काजीगुंड में, ना आपका माल कहीं रुकेगा, ठीक है। और देखते हैं कि ये फ्रॉड दवाई बेचने वाले कौन लोग, सब हिसाब करेंगे।